इंस्टाग्राम पे किसी ने डीएम करके पूछा था एंड कुछ ऐसा रिप्लाई दिया था वॉक्स वैगन ने अभी इसका रीजन क्या है मोस्ट प्रोबेबली वो फोर मीटर से ज्यादा लंबी है शायद इसलिए तो हाँ जो नई पोलो है जो कि दिखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है वो तो नहीं आ रही इंडिया में बट वॉक्स नई पोलो को सीडेन बना के इंडिया में लॉन्च कर रहा है जो की वर्टर्स होने वाली है एंड वर्टर्स का जो एक्सटीरियर डिजाइन है वो काफी सिमिलर होने वाला है स्लाविया के वॉक्स ने अभी कार तो रिवील नहीं करी है बट टीजर में जितनी कार दिख रही थी उससे आइडिया लेकर मैंने ऐसे कुछ रेंडर्स बनाए फ्रंट और रेयर दोनों के अब ये आइडिया लेकर बनाए हैं तो हंड्रेड परसेंट सिमिलर होंगे ये मैं कंफर्म नहीं कर सकती बट हाँ आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे दिखने वाली है वर्टस एंड फ्रंट तो पार्शली रिवील कर ही दिया था फॉक्स ने तो सबसे पहले फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट से कुछ ऐसी दिखने वाली है वर्टेस अभी मैंने कहा आइडिया लेकर रेंडर बनाया तो हंड्रेड परसेंट ऐसी दिखेगी वो मैं कंफर्म नहीं कर सकती बट हाँ काफी सिमिलर होगी इसके अभी इसके फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं हेडलैम्प की तो यहाँ पे आपको मिलने वाले एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो कि टीजर में ऑलरेडी रिवील कर दिए थे ने ग्रिल के अराउंड क्रोम की गार्निश मिल जाएगी या नीचे आपको फॉग लैम्प मिल जाएंगे एंड ये आई थिंक हेलोजन है क्योंकि स्कॉडा स्लाविया में भी हेलोजन मिलते हैं अभी अलॉय व्हील्स की बात करूँ तो ये सिक्सटीन इंचेस के मिल सकते हैं जो की स्लाविया में आते हैं एंड टू हंड्रेड प्रोफाइल हो सकती है इनकी यहाँ आपको जी की बैजिंग मिल जाएगी ओ आर वी एम पर ही इंडिकेटर दिए गए हैं एंड डोर हैंडल पे क्रोम एलिमेंट्स दिए गए हैं एंड कीलेस एंट्री भी मिल जाएगी अभी वर्टस के रेयर लुक की बात करूँ तो कुछ ऐसी हो सकती है वर्टस की रेयर लुक अभी ये रेंडर है आइडिया लेकर बनाई है हंड्रेड परसेंट सिमिलर नहीं होने वाला है रेयर बम्पर जरूर इसका डिफरेंट होगा क्योंकि ये मैंने स्कॉडा स्लाविया वाला ही लगा दिया क्योंकि अच्छा लग रहा था रेयर में तो स्लाविया जैसी लगती है बट हाँ यहाँ पे आपको टेल लैम्प का जो डिजाइन है वो जरूर डिफरेंट मिलेगा फर्स्ट लुक पे तो मेरे को लगा की भाई एक्स यू वी सेवन वाले डाल दिए बट नहीं डिफरेंट है और रेयर में तो कुछ ज्यादा डिफरेंस है भी नहीं स्लाविया जैसा ही है अभी इंटीरियर की बात करें तो मेरे हिसाब से तो टाइगून में जो आता है ना इंटीरियर वैसा ही मिलने वाला है इस स्कॉडा कुशाक और स्लाविया के इंटीरियर में ज्यादा डिफरेंस है नहीं अभी कुछ एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको मिल सकता है ट्वेंटी सेंटीमीटर का डिजिटल कॉकपिट लेदर रैप डी कट स्टेयरिंग व्हील विद स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ट्वेंटी सेंटीमीटर इन्फोरटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल टाइप सी यूएस चार्जिंग पोर्ट्स एम्बियट लाइटिंग एंड वेंटिलेटेड सीट्स एंड वर्टस में भी आपको सनरूफ मिल सकती है क्योंकि स्कॉडा स्लाविया में भी सनरूफ आती है टॉप मॉडल में तो वर्टस में भी आ सकती है टॉप मॉडल में वर्टस में आपको वर्क वैगन कनेक्ट भी मिल जाएगा जो कि टाइगून में भी आता है वर्टस में आपको सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट वाली रेयर सीट्स भी मिल जाएंगी। अभी बूट स्पेस की बात करूँ तो एक्सपेक्टेड है फाइव ट्वेंटी वन लीटर जो कि स्कॉडा स्लाविया में आती है सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो टाइगून जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे जैसे अपटू सिक्स एयर बैग्स मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हिल होल्ड कंट्रोल रेयर व्यू कैमरा एंड पार्क डिस्टेंस कंट्रोल एंड सेफ्टी इंजन की बात करूं, तो इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन मिलेंगे एक है वन हंड्रेड थर्टीन बी इंजन पी की पावर जनरेट करता है और वन न्यूटन मीटर का टॉर्क और दूसरा है वन लीटर का फोर सिलेंडर इंजन जो कि 147 bhp की पावर जनरेट करता है और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो लीटर इंजन है उसमें आपको सिक्स स्पीड मैनुअल एंड सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक मिलेगा बट जो वन पॉइंट फाइव लीटर का है उसमें आपको सिक्स स्पीड मैनुअल एंड सेवन स्पीड ऑटोमेटिक मिलेगा अभी प्राइसिंग की बात करो तो जो लाविया है अभी उसकी प्राइसिंग कंपनी ने रिवील करी है एंड उसकी प्राइसिंग जाती है टेन पॉइंट सेवन लैक्स से फिफ्टीन पॉइंट फोर लैक्स तक वन लीटर इंजन की अभी दूसरे वाले इंजन की रिवील नहीं करी है तो वर्टर्स की अगर मैं बताऊं तो इसके आसपास ही होगी हो सकता है थोड़ी कम हो टेन पॉइंट फाइव लैक्स से ज्यादा से ज्यादा चालू कर दे जैसे टाइगुन और कुशाक में डिफरेंस नहीं है वैसे ही इन दोनों कार्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा बेसिक प्रेफरेंस आपकी रहेगी आपको कौन सी कंपनी का बैच चाहिए किसका इंटीरियर आपको अच्छा लगा या किसका एक्सटीरियर आपको अच्छा लगा उसके ऊपर आपको बेसिकली चूज करना होगा स्लाविया अच्छी लग रही है स्लाविया ले लो वर्टर्स अच्छी लग रही है वर्टर्स के लिए वेट कर लो आने वाली है तो हाँ गये बस इतना था आज की वीडियो के लिए कैसी लगी आपको वर्टर्स एंड कैसे लगे आपको रेंडर्स कमेंट में जरूर बताना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग